इसके अलावा भी कोई भी एडजेक्टिव आए, बिना नाउन के आए तो उसके एंडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सीखना पड़ता है, क्योंकि ये जो बूट है कभी तो बन जाता है गुटर, कभी बन जाता है गुटन, कभी बन जाता है गुटम, कभी बनता है गुटे, कभी मैंने इसको गुटस भी देखा है। तो ये है कौन सा भाई, ये हमको देखना पड़ता है, ये एंडिंग आती कैसे है ये समझना पड़ता है, ये कब तो यस लेगा, कब ई लेगा, कब ई एम ले लेगा, कब ई एन ले लेगा, कब मर्जी है क्या ये, और कभी कुछ नहीं लेता, ओरिजिनल भी आ जाता है ऐसा का ऐसा। ये इसकी एंडिंग सीखने के लिए हमको तीन टेबल लर्न करनी है, डेफिनेट आर्टिकल की, इनडेफिनेट की और विदाउट आर्टिकल की, तीन टेबल लर्न करनी पड़ती है। ये तीन टेबल लर्न कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहली टेबल है वो इपिस्टल वाली जो हमने आज भी लिखी थी, देयर दी दास दी, देन दी दास दी, देम देयर देम देन प्लस एन, ये आपकी ओरिजिनल टेबल है, डेफिनेट आर्टिकल की टेबल, द की टेबल। एक आइन की टेबल होती है, आइन आइने आइन आइनन आइने आइन आइनम आइनर आइनम, ये अ की टेबल है, ये द की टेबल है। ओके, जब द की टेबल हम लोग देखते हैं लर्न करते हैं तो पिस्टल बनाते हैं, हम लोग पिस्टल बनाते हैं, पिस्टल के अंदर ई, और पिस्टल के बाहर हर जगह ई एन। ये जो ई और ई एन लिख रहा हूं मैं, एडजेक्टिव की एंडिंग है, ये नाउन की नहीं, एडजेक्टिव की एंडिंग है। मजा आएगा इसको, कल करेंगे इसको अच्छे से, आज तो केवल इतना सा ताकि भूमिका बन जाए और आप क्या पता टेबल लर्न करके आ जाओ, अगर किसी को नहीं है तो, हो सकता है कईयों ने तो कर ही रखी होगी एवन में। तो मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डेटिव, ये आपकी एक टेबल होगी ऊपर पिस्टल वाली टेबल। दूसरी, इस पूरी टेबल का मतलब है द, पूरी टेबल का मतलब ही द है, और ये जो सेकंड वाली टेबल है इस पूरी टेबल का मतलब है ए। यहां पे पिस्टल बनानी है और यहां पे क्या है ये पता नहीं, सिगार है शायद, नहीं जूता है शायद, नहीं पता नहीं, जो भी है इसके अंदर ई एन लगाना है, यहां पे पिस्टल के बाहर ई एन लगाना है, और यहां पे जूते सिगार जो भी तुमको सूझ रहा है इसके अंदर ई एन लगाना है, और बाकी में ई आर ई ई एस ई ई एस, ये दो टेबल होगी। और तीसरी, ये द के लिए मतलब डेफिनेट के लिए डेफिनेट आर्टिकल, ये अ के लिए मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल, और तीसरी एक टेबल है ओन आर्टिकल, कल डिटेल में बात करेंगे ओन आर्टिकल। इस टेबल में क्या करना है, इसमें आर्टिकल तो है ही नहीं, ना डेयर लगेगा ना अ लगेगा, इसमें सीधा ही ई आर ई ई एस ई, जैसे होता है ना डेयर डी दास डी, ओरिजिनल की तरह ही ई आर ई ई एस ई ई एन ई ई एस ई, यहां पे ई एम ई आर ई एम ई एन एस एन, ये तीन टेबल आप आज करना, एडजेक्टिव एंडों की बात कल करेंगे, बस इन्हीं के साथ सेंटेंस बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा आराम से। ये एडजेक्टिव लिखे हैं अपन ने, और ये हम लोग एडजेक्टिव एंडिंग के लिए लिख रहे हैं।
एंडुम, एंडुम का मतलब ही है एंडिंग। एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, जैसे गुड बैड है, लॉन्ग शॉर्ट। कल करते हैं इसकी बात, आज नहीं करेंगे। आज केवल आपको टाइम मिले तो वो वाले करके, और फिर ये टेबल आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, फिर आपको बहुत इजी समझ में आएगा। क्लियर? यस सर। या दिस इज देन एलिस वी नेवर नो जो फील होते हैं।